तो गाइज मैं आप लोगों के साथ है ना एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी फिलहाल हम घूमने गए थे, इसीलिए आपको चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं मिल रहे थे। तो आप देख रहे हैं इन कलाकार को, इनकी कलाकारी देखिए, कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है इन्होंने गौतम बुद्ध जी की, वो भी रेत के साथ, जो रेत मुट्ठी में भी हम पकड़ नहीं पाते हैं, फिसल जाता है मुट्ठी से, उस रेत के साथ इन्होंने कितनी अच्छी प्रतिमा बनाई है। और ऐसे कलाकारों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और लोग पता है आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और कुछ भी मतलब कि इनकी जो मेहनत है, हमें थोड़ा बहुत जो भी हमें देना चाहिए, कुछ भी कोई भी नहीं दे रहा था। तो फिर हमने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने सबको बुलाया, फ़ोटो खिंचवाइए, और मतलब बहुत सारा इनका मतलब कि इनको दिया गया, फिर जो भी देना है, किसी ने कितने रुपए दिए, किसी ने कितने रुपए, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे कलाकारों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा, कितनी सुंदर। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम गए थे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ धाम पे गए थे उनके दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे बीच था, उसी बीच की ये जो झलक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की। बस ये होता है कि मैं व्लॉग आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, ना ही पिक शेयर करती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कलाकारों को हमें वैल्यू देना चाहिए। और बहुत बहुत इतना एकाग्रता के साथ ये बना रहे थे ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा बस ऐसा मन किया कि मैं इनको देखते जाऊँ, इनको देखते जाऊँ, इनको देखते जाऊँ। तो यार आसपास देख सकते हैं आप बीच का नज़ारा, हमने यहाँ पे घोड़े पे भी राइडिंग की, हमने यहाँ पे ऊँट की सवारी भी की, और ये देख सकते हैं आप मन्नी यहाँ पे श्राद्ध कर रही है, उछल कूद रही है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और आप आगे देख पाएंगे कि मन्नी जो है घोड़े, जिद कर रही थी कि मुझे घोड़े पे बैठना, मुझे घोड़े पे, इतनी शांति थी, इतना अच्छा लगा ना, बिल्कुल मन एकदम शांत हो गया। अगर आप भी जगन्नाथ दर्शन करना जाना चाहते हैं तो करिए, एक बार तो ज़रूर ही करिए अगर पॉसिबल है तो। तो ये कंप्लीट हो गई है यहाँ पे इनकी प्रतिमा, और ये मन्नी घोड़े पे बैठ चुकी है, गले में पट्टा इसने इस तरीके से डाल लिया था, ये बोल रही थी नहीं मैं ही चलाऊँगी, और किसी से डरती नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं डरती है टच वुड। तो यार इसने थोड़ी सी हल्की फुल्की मस्ती की, दिन में इन्होंने समुद्र के अंदर नहाया भी था, बहुत सारी मस्ती भी की थी, मेरे पास उनके वीडियोस भी पड़े हैं। तो अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो मैं ज़रूर शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों की मतलब ज़्यादा पता नहीं क्यों यार व्लॉगिंग आप मेरे वाले जो पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो यहाँ पे मन्नी ने तो बहुत ज़्यादा मस्ती की, एक फैमिली और हमारे साथ गई थी, उन्होंने भी मतलब दो फैमिली जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है, बातें बातें करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। और समुद्र इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना प्यारा कि मन कर रहा था कि यहाँ बैठे बैठे सिर्फ समुद्र को ही देखते रहो, इतनी ऊँची ऊँची लहरें आ रही थी, मन शांत हो गया था, बस ऐसा मन कर रहा था कि इसके किनारे पर बैठ के ना मेडिटेशन कर लो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खैर तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने जो उन्होंने प्रतिमा बनाई थी उसके साथ एक दो फोटो क्लिक करवाए। आई होप कि आज का व्लॉग आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, बस मैंने, मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये शेयर किया है। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करें।